नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में और आपके साथ में हूं प्रियंका। दोस्तों, आईपीएल सीजन 15 में कई युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया तो वहीं कुछ दिग्गज खिलाड़ी भी फ्लॉप साबित रहे हैं, जिन्हें मेगा ऑक्शन में भारी भरकम रकम देकर टीम ने अपने साथ जोड़ा था और यही खिलाड़ी फ्रेंचाइजी पर भारी पड़ गए। जहां रविंद्र जडेजा चेन्नई के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए तो वहीं मुकेश चौधरी भी सबसे किफायती खिलाड़ी रहे हैं। और सिर्फ ये दो नाम ही नहीं बल्कि ऐसे और भी कई खिलाड़ी हैं। इस वीडियो में हम आपको आईपीएल सीजन 15 के सबसे महंगे और सबसे सस्ते गेंदबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सीजन के सबसे सस्ते गेंदबाजों पर, जो की फ्रेंचाइजी के लिए काफी ज्यादा किफायती साबित रहे हैं। नंबर 1, मुकेश चौधरी। दोस्तों, चेन्नई के मुकेश चौधरी इस सीजन टीम के सबसे उपयोगी गेंदबाज साबित हुए हैं। सिर्फ 20 लाख की कीमत पर टीम के साथ जुड़ने वाले मुकेश चौधरी ने इस सीजन बेहतरीन गेंदबाजी की है और सभी का दिल जीता है। उन्होंने 13 मैचों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं। बता दें कि मुकेश चौधरी का एक विकेट सिर्फ 1,25,000 रुपए का रहा है। नंबर 2, मोहसिन खान। दोस्तों, मोहसिन खान ने इस सीजन लखनऊ के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की। इस आईपीएल से पहले उनका नाम ज्यादा नहीं सुना गया था, लेकिन इस सीजन लखनऊ को प्लेऑफ में पहुंचाने में मोहसिन खान का अहम योगदान रहा है। उन्होंने 9 मैचों में 14 विकेट निकाले हैं और इस तरह 20 लाख की कीमत वाले मोहसिन खान के अगर एक विकेट की कीमत देखी जाए तो 1,42,000 रुपए रही है। नंबर 3, कुलदीप सिंह। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के कुलदीप सेन ने भी इस सीजन में अपनी गेंदबाजी से सभी को इम्प्रेस किया है। 20 लाख में बिकने वाले कुलदीप ने इस सीजन 7 मैचों में 8 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका एक विकेट राजस्थान टीम के लिए 2,50,000 रुपए का रहा है। दोस्तों, आप सभी को उम्मीद है कुलदीप से कि वो आने वाले सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन करे। नंबर 4, रमनदीप सिंह। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल सीजन 15 कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन इस टीम के स्पिन गेंदबाज रमनदीप ने अपना नाम बनाया है। उन्होंने 5 मैचों में 6 विकेट चटकाए हैं और 20 लाख की कीमत में मुंबई के साथ जुड़ने वाले रमनदीप इस सीजन के सबसे किफायती गेंदबाजों में शामिल रहे हैं। उनके एक विकेट की अगर कीमत देखी जाए तो वो है 3,33,000 रुपए। नंबर 5, कुमार कार्तिकेय। मुंबई के दूसरे स्पिन गेंदबाज कुमार कार्तिकेय सिंह ने भी अपने स्पिन गेंदबाजी से सभी को इम्प्रेस किया है। उन्हें सिर्फ 4 मैच खेलने का मौका मिला था, लेकिन उन 4 मैचों में ही उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की। बता दें कि 4 मैचेस खेलते हुए कार्तिकेय ने 5 विकेट चटकाए थे और वो 20 लाख की कीमत पर मुंबई की टीम के साथ जुड़े थे और इस तरह अगर उनके एक विकेट की कीमत देखी जाए तो वो रही है 4 लाख रुपए। अब बात करते हैं सीजन के सबसे महंगे गेंदबाजों के बारे में, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने भारी भरकम रकम देकर अपनी टीम के साथ जोड़ा, लेकिन ये गलती फ्रेंचाइजी पर शायद भारी पड़ गई। नंबर 1, रविंद्र जडेजा। दोस्तों, रविंद्र जडेजा सीजन के सबसे महंगे गेंदबाज रहे हैं। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन से पहले चेन्नई की टीम ने उन्हें 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था और टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले उन्हें टीम का कप्तान भी बनाया गया था, लेकिन जडेजा के लिए ये सीजन बहुत ही ज्यादा खराब साबित रहा है। उन्होंने ना तो गेंद से कमाल किया और ना ही बल्ले के साथ, तो वही कप्तान के रूप में भी जडेजा फ्लॉप साबित रहे हैं और इसलिए 8 मैच खेलने के बाद ही उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी थी। बता दें कि सीजन में उन्होंने 10 मैचों में 5 विकेट लिए हैं और इस तरह टीम के लिए अगर उनके एक विकेट की कीमत देखी जाए तो रही है 3,02,00,000 रुपए। नंबर 2, क्रिस जॉर्डन। दोस्तों, क्रिस जॉर्डन के लिए भी ये सीजन बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। 3,06,00,000 में बिकने वाले जॉर्डन ने इस सीजन में चेन्नई के लिए सिर्फ 2 ही विकेट निकाले हैं। 4 मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इस तरह अगर उनके एक विकेट की कीमत देखी जाए तो वो रही है 1,08,00,000 रुपए। नंबर 3, अक्षर पटेल। भारत के लेफ्ट हैंड के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल के लिए भी ये सीजन भूलने वाला रहा है। बता दें कि हर साल अपनी टीम के लिए कमाल करने वाले अक्षर इस साल गेंद के साथ कोई भी कमाल नहीं दिखा पाए हैं। उन्होंने 13 मैच में 6 विकेट निकाले। बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 9 करोड़ की कीमत पर रिटेन किया था और इस लिहाज से अक्षर के एक विकेट की जो कीमत है वो है 1,05,00,000 रुपए। नंबर 4, वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों, कोलकाता के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी इस सीजन के सबसे फ्लॉप खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने सीजन 11 मैचों में सिर्फ 6 विकेट ही अपने नाम किए हैं।
बता दें कि कोलकाता की टीम ने उन्हें 8 करोड़ की कीमत पर रिटेन किया था और इस लिहाज से उनकी एक विकेट केकेआर के लिए 1 करोड़ 33 लाख रही है। नंबर 5 मोहम्मद सिराज। दोस्तों आरसीबी की टीम ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले सिर्फ 3 खिलाड़ी को ही रिटेन किया था। इसमें विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल के अलावा तीसरा नाम मोहम्मद सिराज था। बता दें आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। सिराज ने 15 मैच में सिर्फ 9 ही विकेट अपने नाम किए हैं और इस लिहाज से उनका एक विकेट 77,77,000 रुपए रहा है। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।